ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोगों को खीर बनाने के लिए लगने वाले है। सबसे पहले बेसिक चीज हमने यहाँ पर दूध लिया है, ये दूध 1 लीटर लिया हुआ है और इसके साथ में हम लोग ने 250 ग्राम शुगर ली है और 250 ग्राम इसमें राइस है। राइस को वॉश करके हमने सोक करके रखा है यहाँ पर। 250 ग्राम हमने यहाँ पे मावा लिया है खवा और 50 ग्राम यहाँ पे हम लोग ने बादाम लिए है, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम ऑफ पिस्ता और ये केसर आपके हिसाब से आपको जितना लेना है वो ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले हम लोग चावल को बॉईल करने के लिए रख देंगे और इसमें पानी डाल के लिटिल बिट ऑफ नमक हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सो हम लोग पहले इसमें चावल डाल लेते हैं, चावल ऐड हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ज्यादा पानी लगेगा इसमें क्योंकि हम लोगों को चावल को ज्यादा पकाना है, इतना पूरा पानी जाएगा इसमें। हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि कोई भी मीठी चीज बनानी होती है तो उसमें सॉल्ट ऐड करना अच्छा रहता है। तो अब इसको हम लोग पकने के लिए रखो, हम लोग इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए ताकि ये चावल अच्छी तरीके से कुक हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए, फिर हम लोग इसके बाद में इसको ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले चावल को पका लेते हैं। हम लोग ने फ्लेम ऑन कर दिया है तो ये अच्छी तरीके से हीट हो गई कढ़ाई हमारी। ये ऐसी कढ़ाई लेंगे हम लोग जो डीप हो। अभी इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं मिल्क। बिस्मिल्लाह, हम लोग ने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब मिल्क को एक बॉईल आने देंगे, उसको अच्छे से एक उबाल आ जाएगा फिर इसके बाद में हम लोग इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं दूध को उबाल आ चुका है, अभी हम लोग इसमें शक्कर ऐड कर देंगे जो हमने 250 ग्राम शुगर ली है उसको इसमें ऐड करेंगे। एक अच्छी तरीके से इसको स्टीर कर लेंगे हम लोग। अभी हमने इसमें ड्राई फ्रूट एक एक करके ऐड कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट को हम लोग को फ्राई नहीं करना है, ये इसके अंदर ही पकेंगे दूध में। हमने पिस्ता डाल दिया, ये काजू, ये बादाम। अगर आप लोगों को ज्यादा डालना है तो आप लोग ज्यादा डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको स्लो पे पकने देंगे हम लोग। और ये जो हमने मावा लिया है खोआ, ये आधा डालेंगे अभी और आधा हम लोग बाद में ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा रख देंगे, इतना रख देंगे गार्निश करने के लिए। जरा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसको पकने देते हैं हम लोग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर आपको आगे। हमारी जो राइस है ये रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग उसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। ये हमने ग्राइंड कर लिया है चावल को, इस तरीके से हम लोग को ग्राइंड करना है। ये एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसमें मैंने पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके इससे पतला भी रहेगा तो चलेगा। ये हमने चावल को पीस लिया है, ये ऐसा हो चुका है। अब इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें वाटर डालना पड़ेगा, इसमें बहुत ठीक चाहिए। कट कर, ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है, ये पानी भी ऐड कर देंगे पूरा। जितनी ज़रूरत हो आपको उतना पानी आप लोग डाल सकते हैं, जैसे इसमें इतनी ज़्यादा है तो मैंने अभी इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे ताकि इसमें गट्टे नहीं रहना चाहिए, इसके पूरे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग इसको स्टीर करते रहेंगे कंटिन्यूसली ताकि इसमें लम्स ना बने चावल के। और सारे ऐड करेंगे ये जो केसर हम लोग ने रखा हुआ था, ये केसर डाल देंगे इसमें। केसर डाल दिए, अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा एक कलर आ चुका है, एकदम रिच कलर आ गया है इसमें। अभी इसको अच्छे से पकने देंगे ताकि ये अपनी ऐसी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए जैसे कि खीर नॉर्मली होती है। अभी इसको हम लोग 10 मिनट्स और पकने देते हैं एंड देन फिर इसको सर्व कर देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमारी खीर रेडी हो चुकी है तो उसको गार्निश कर देते हैं और फटाफट से वीडियो एंड करते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई हमारी। ये हम लोग उसमें खोवा डाल लेते हैं ऊपर जो हमने बचा के रखा था। और ये थोड़े से बादाम डाल देंगे।
तो फटाफट अपने घरों में बनाइए और हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करो।